आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूं मीर उमर। नाज़रीन, जैसा कि अभी आपको पता होगा कि आज लॉकडाउन का जो है दूसरा दिन जो है, क्योंकि कल जो है 2 बजे से ही लॉकडाउन पूरे शहर श्रीनगर में देखा गया। हालांकि अगर श्रीनगर के साथ साथ बाकी डिस्ट्रिक्स की भी बात करें तो हर जगह पे जो लॉकडाउन को लेकर जो डायरेक्शंस थी पूरे कश्मीर में देखा गया कि उन डायरेक्शंस को पूरी तरह से जो है फॉलो किया गया। और अगर आज के दिन की बात करें तो मुकम्मल तौर पर जो है आज सुबह से ही लॉकडाउन के जो मनाजिर है आज सुबह से नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त लाइव करने का मकसद ये है कि हमने कोशिश की थी कि हम अभी तक का जो है सिनेरियो देखें, क्या हो सकता है कि लोगों का जो आमद रफ्त है क्या दोपहर के बाद फिर से वापस शुरू होगा या शॉप्स वगैरह ऐसा खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल लेवल पे बात करें तो हमने मेजॉरिटी, अगर हम बात करें जितने भी श्रीनगर के जितने भी मेन एरियाज हैं, हर जगह पे हमने देखा कि बिल्कुल जिस तरह के मनाजिर इस वक्त आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं, कम्प्लीटली जो शॉप्स हैं या एस्टेब्लिशमेंट्स हैं मुकम्मल तौर पर बंद है। हालांकि अगर इस ऑर्डर के हवाले से बात करें तो ऑर्डर में खासकर ये मेंशन किया गया था कि जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़ है उनकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अब जो है लोगों की सीरियसनेस को अभी जैसा हम देख रहे हैं कि अब जो है लोग इस बात को शायद मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं कि ये जो बीमारी है हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती थी। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें तो बाज़ाब्ता तौर पर जो रेगुलरली कंटिन्यूसली जो अनाउंसमेंट्स होती रहीं जिससे लोगों को जो है हर जगह पे हर पॉसिबल मेजर्स के थ्रू वहाँ पे उनको अवेयर किया जाता था कि ये जो बीमारी है आपके लिए कितनी रिस्की है वो हो सकती है। और उसी के तनासुर में अभी देखा जा सकता है कि जो मनाजिर आज हमें नज़र आए उसमें बाज़ाब्ता तौर पर देखा कि जो लोग हैं मुकम्मल तौर पर जो डायरेक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आई हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक और पहलू है जिसके बारे में अभी हमारे साथ बात हुई थी कुछ लोगों से, जिनका ये मानना है कि जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं इन लॉकडाउन से जो है इससे ज़्यादा मुतासिर होता है। लेकिन ये लॉकडाउन के बारे में आपको याद होगा कि लॉकडाउन से पहले जब लॉकडाउन नहीं था जो डीसी साहब यहाँ के थे उन्होंने उस टाइम पे ये कहा था कि लॉकडाउन जो है ये एक आखिरी रिजॉर्ट है, यानी कि अगर लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शंस को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं करते और अगर ऐसा लगा कि ये जो बीमारी का फैलाव है अभी ये ज़्यादा फैल रहा है और कंट्रोल के बाहर जाने वाला है तो आखिर में इकदाम यही उठाए जाएंगे कि लॉकडाउन को नाफिज करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली जब हमारे पास जब फिगर्स आए जो कि बहुत ही ज़्यादा है, आपको याद होगा कि जो लास्ट टाइम के फिगर्स हमने लाया थे जो फ्राइडे के हवाले से थे वो 1500 से ज़ायद थे। तो उस वक्त जो है जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उन्होंने रात में ही जो है इस हवाले से डिसीजन जो है किया कि अब जो है वीकेंड लॉकडाउन जो है वो नाफिज होना चाहिए। लेकिन अभी देखा जा सकता है कि सिर्फ अभी एक फ्राइडे से अभी दूसरी फ्राइडे जो कल थी, लेकिन अगर हम फिगर्स की बात करें अगर उनको मेजर करें तो हमारे सामने आज की डेट में खासकर अगर श्रीनगर की बात करें क्योंकि श्रीनगर ही है जो एक मेजर चंक जो है कोविड के हवाले से जो कश्मीर में था उसमें शेयर कर रहा था, लेकिन जो फिगर्स कल हमारे सामने आए उसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है गिरावट नज़र आई। अब जो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका काम धाम जो होता है वो ऑन रोड होता है, चाहे हम रेडी वाले की बात करें या कुछ ऐसे जो लोग जो दिन भर कमाते हैं और शाम को अपना घर चलाते हैं, ये हम उस वक्त भी उन लोगों को यही कह रहे थे कि आप कोविड को लेकर सीरियस हो जाए, खुदा न खास्ता कल ऐसी बात ना हो जाए जब लॉकडाउन होगा तो उस टाइम पे आप ये कहेंगे कि अब हमारी रोजी पे बात आ गई। अगर उस वक्त हमने थोड़ा बहुत इस कोविड को थोड़ा सीरियस ले लिया होता तो आज इस तरह के जो मनाजर है हमारे सामने नहीं आते। और अगर हम इसका एक और जो पहलू है जिसके बारे में अभी हमारी बात हुई कुछ लोगों से, जिनका मानना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन जो है उसकी बात हो रही है यानी कि 3 दिन बंद रहेगा, क्या जो बैंक्स हैं क्या वो हमारे उस इंटरेस्ट में कहीं पे रियायत करेंगे या जो हमारे रेगुलर फीसेस होते हैं क्या उसमें कहीं पे कोई कमी आएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हो सकता है कि आने वाले वक्त में
सामने आ सकते हैं। अभी तो हमारी ऑफ कैमरा बात हुई कुछ लोगों से, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि इन चीज़ों को लेकर भी शायद कहीं ना कहीं पे जो ट्रेड अलायंसेस है या जो ट्रेडर्स फेडरेशन है, एसोसिएशन है, वो भी इसको लेकर बात करेगी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी एक स्टेटमेंट आया था जिसमें जो ट्रेडर्स अलायंस है उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि जो इस वक्त सिचुएशन है कोविड को लेकर, जिस तरह से लॉकडाउन सामने आ रहे हैं, अब जो है इकोनॉमी पे फिर से असर पड़ सकता है। लेकिन अगर हमने पहले ही इस कोविड को लेकर जो है अपने माइंड को तैयार किया होता कि हमें इस जो बीमारी है, इस वायरस को जो है ज़्यादा संजीदगी से लेना चाहिए, जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स थे कोविड को लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्ट किए थे, अगर हमने सही वक्त पे उनको अपनाया होता तो हो सकता है कि इस तरह के जो मनाजर हैं वो सामने नहीं आते। हालांकि एक और चीज़ हमने देखी कि जैसे अगर हम पिछले फ्राइडे की बात करें तो हमने ये भी देखा, या सैटरडे की बात करें तो हमने ये भी देखा कि जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट था वो कम नज़र आ रहा था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो दुश्वारियाँ हैं उनका सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज हमने जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो हमने कई ऐसी जो है लोकल पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनको हमने आज सड़कों पर देखा। और अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो बिल्कुल सेम जिस तरह से डायरेक्शन दी गई है कि 50% जो है सीटिंग कैपेसिटी के हवाले से जो है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चलना चाहिए, और ऐसे ही मनाजिर आज हमें श्रीनगर में यहाँ पे देखने को मिले। उम्मीद करते हैं कि अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शंस को प्रॉपरली इसी तरह से कोऑपरेट किया और फॉलो किया, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चाहे महीना लगे या कुछ भी वक्त लगे, लेकिन उम्मीद है कि अगर हम इसी तरह से डायरेक्शंस को फॉलो करने लगे तो ये जो बीमारी है ना सिर्फ कश्मीर से, अगर हर जगह पे इस तरह से जो लोग हैं फॉलो करना शुरू कर देंगे तो उम्मीद है कि ये बीमारी जो है पूरी दुनिया से हट जाएगी। आप देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूँ मीर उमर श्रीनगर से।